أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلى الله عليه وسلم किताब है कि जिसमें किसी किस्म की कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं और ये किताब हिदायत करती है मुत्तकीन की और वो मुत्तकी कौन है तो मुत्तकियों की सिफात को परवरदिगार आलम बयान करता है कि अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब वो हैं मोमिनीन के जो ईमान रखते हैं गैब पर व यकीनून अफ़लात और नमाज को कायम करते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून और जो कुछ इन्हें हमने अता किया है रिज़्क उसमें से ये इन्फ़ाक करते हैं। ये सूरह बकरा की इब्तदाई आयतें हैं जिसमें परवरदिगार आलम ने कुरान के बारे में फरमाया कि यह वो किताब है कि जिस किताब में किसी भी किस्म की शक को शुभे की गुंजाइश नहीं, ना आप इसमें शक कर सकते हैं ना शुभा कर सकते हैं कि ये किताब परवरदिगार आलम की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल की गई और ये वो किताब है जो तमाम सहीफ़े आसमानी और तमाम कुतुब आसमानी का निचोड़ है। जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए एक के बाद दीगरे वो तमाम सुहूफ वो तमाम सहीफ़े आते गए और मंसूख होते गए। किताब है आसमानी भी आई, तीन किताबें आई, तीनों किताबें आने के बाद मंसूख हो गई। लेकिन ये जो किताब है कुरान मजीद जो आज हमारे हाथों में मौजूद है ये सिर्फ किताब नहीं है। इसके बारे में परवरदिगार आलम ने कहा कि हुदल्लिल मुत्तकीन ये सिर्फ किताब नहीं है बल्कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और दूसरी जगह पर भी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद का तआरुफ करवाया है अलग अलग अंदाज से अलग अलग तरीकों से और कुरान की तौसीफ कभी कहा कि फुरकान है कभी कहा बुरहान है। एक चीज जो मुसल्लम है कि यह किताब किताबे हिदायत है यानी इस किताब से इंसानों को जैसे कि खुद कुरान ने कहा हुदल लिन्नास कि ये इंसानों के लिए हिदायत है। एक जगह कहा कि हुदल लिल मोमिनीन ये मोमिनीन के लिए हिदायत है
यानी तमाम आलम बशरियत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए ये किताब किताब हिदायत है। और इसके किताब खुदा होने में कोई शक नहीं कर सकता, ये किताब किताब खुदा है, अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। और सिर्फ किताब नहीं है बल्कि ये किताब एक मुअज्जिज़ा है जिसे रसूल इस्लाम ने अपने नबूवत के इस बात के लिए पेश किया। ये दर हकीकत इस बात नबूवत का एक जरिया भी है। यह ऐसी किताब है कि जिसका परवरदिगार आलम ने कहा कि इस किताब के मुअज्जिज़ा होने की दलील यह है कि इस किताब का कोई जवाब नहीं ला सकता। इस किताब के मुअज्जिज़ा होने की दलील यह है कि इस किताब का कोई जवाब नहीं ला सकता। और परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर दावत दी, मुबारजा तलब किया, तहदी की कि अगर तुम ये समझते हो कि ये किताब गैर खुदा की तरफ से है तो फिर तुम इसके मुकाबले में एक सूरा बना ले आओ, इसके मुकाबले में दस आयतें ले आओ, इसके मुकाबले में कोई दूसरा कुरान ले आओ। ये परवरदिगार आलम की तहदी है कि ये किताब एक दावा है। दावा क्या है? दावा यह है कि यह किताब किताब मकनून किताब परवरदिगार है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता किताब है। और इस दावे की दलील यह है कि इस किताब का कोई जवाब नहीं ला सकता, इस किताब का कोई जवाब नहीं ला सकता। अब अगर आपको दावे पर एतराज है तो आपको दलील लाना पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर आपको दावे पर एतराज है, असल मैं दावा करूं कि किसी चीज का, तो आपको अगर मेरे दावे पर एतराज होगा तो आप क्या करेंगे? मेरी दलील की रद्द में दलील लाएंगे, मेरे दलील की रद्द में कोई दलील लेकर आएंगे। यह दलील का होता है उखला का, कि जो भी आकिल होता है अगर किसी दावे का इनकार करता है तो उसके रद्द में दलील पेश करता है। उम्र होता यह है के अक्सर बिश्तर जब इंसान हड़बड़ा जाता है या कुछ और वजूहत हो जाती है तो क्या होता है कि जहां दलीलें हमें मांगना होता है वहां हम दलीलें पेश करने लगते हैं। मसलन आपके दावे पर किसी ने एतराज किया, आपने दलील के साथ दावा किया था, आपके दावे पर किसी ने एतराज किया तो अब चूंकि उसे आपके दावे पर एतराज है तो उसे आपकी दलील को अपनी दलील के जरिए से रद्द करना है। तो दलील कौन लाएगा? जिसने एतराज किया, जिसने एतराज किया वो दलील लेकर आएगा। आप दलील नहीं देंगे, लेकिन कभी हड़बड़ाहट में हम दलीलें देने लगते हैं। भाई आप तो दावा कर चुके ना और आप दलील भी दे चुके, अब जिसने एतराज किया वो दलील लेकर आएगा। अब अगर वसीम रिजवी को कुरान पर एतराज है तो दलील कौन देगा? वसीम रिजवी को अगर कुरान पर एतराज है तो दलील कौन लाएगा? हम दलील देंगे। हम जो कह चुके, दावा कर चुके कि ये किताब खुदा की किताब है और हमारी दलील ये है कि तुम इसका जवाब नहीं ला सकते। अब अगर तुम ये कहते हो कि ये खुदा की किताब नहीं है तो ठीक है, तुम एक दूसरा कुरान बना के ले आओ, दूसरा कुरान बन जाएगा तो तुम्हारी बात साबित हो जाएगी। एक सवाल पड़े मोहम्मद हमें तो कोई दलील पेश नहीं करनी। जिसने दावे पर एतराज किया, जिसने किताब खुदा पर एतराज किया वो दलील लेकर आए, हम क्यों दलील? खुदा ने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें शक है इसके किताब खुदा होने के बारे में तो तुम जाओ लेकर आओ, एक सूरे बना कर ले, सूरे कौसर का जवाब ले, छोटी सी सूरे, इन आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन शानिका हुवल अब्तर, तीन आयतों की, इसका जवाब ले आओ। अगर आपके पास जवाब है, अगर आप सूरे के मुकाबले में कोई सूरा ला सकते हैं, 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए,
हिंदुस्तान का रहने वाला क्या जवाब लाएगा, इसलिए कि हिंदुस्तान का रहने वाला या हिंदी जानता है या उर्दू जानता है या कोई और जबान जानता है। अरब के वो फसाह जो अरब में पैदा हुए जिनकी मादरी जबान अरबी है, जो फसाहत बलागत के गहवारे में पैदा हो रहे हैं और फसाहत बलागत जिनके घर से निकल रही है, जिनके आबाओ अजदाद जो है फसीह हो बलीग, जिनका एक सिलसिला नसब है फसाहत बलागत के अंदर, जब एक सूरह कौसर खाने काबा की दीवार पर टांगी जाती है तो अरब के बड़े बड़े बुलगा, अरब के बड़े बड़े फसाहा, अरब के बड़े बड़े शायर अपने अपने कलाम को दीवार से उतार लेते हैं कि अब हमारे कलाम की जगह नहीं है, इसलिए कि अब कलाम खुदा है वहां पर, अब हमारे कलाम की कोई जगह नहीं है। और खुद किताब की खासियत होती है जिदा निगरानी, याद रखिए कोई भी किताब आप ले, कोई भी किताब, कुरान की बात हम नहीं करते, कोई भी किताब आप ले, हर किताब का एक मौजू होता है, हर किताब के मुखातबीन होते हैं, मौजू भी होता है मुखातब भी होता है। कभी आपने सोचा कुरान का मौजू क्या है? यह गलत बहस है। कुरान के मुखातबीन कौन है? हर किताब के मुखातब होते हैं और मुखातबों की किस्म होती है, अलग अलग मुखातबीन होते हैं। कभी किताब मुखातब करती है अपने पढ़ने वालों को, मसलन किताब इंजीनियरिंग की है तो मुखातबीन कौन है? इंजीनियर हजरत। किताब मेडिकल की है तो मुखातबीन कौन है? वो जो मेडिकल के स्टूडेंट है। किताब अगर हदीस की है, अइमा ताहिरीन की बातें हैं उसमें, तो मुखातबीन कौन है? मुखातबीन मानने वाले, मुखातबीन मानने वाले। अब कुरान भी है, कुरान के मुखातबीन कौन है? तो कुरान ने कहा कि हुदल लिन्नास, ये किताब इंसानों की हिदायत करती है, तो पूरे इंसान इसके मुखातबीन हो गए, जितने भी हैं इस कायनात में इंसान, वो तमाम के तमाम मुखातबीन। कहते हैं कि क्या सबके सब मुस्तमईन, सबके सब इंसान जो है वो कुरान के मुखातब करार पाएंगे? तो कुरान ने कहा नहीं, तीन अफराद हम बताते हैं आपको, तीन किस्म इंसानों की। उन तीन किस्मों में से एक किस्म जो है वो कुरान के मुखातबीन है, बकिया जो है वो कुरान के मुखातब नहीं है, बकिया जो है वो कुरान के मुखातब नहीं है। कुरान के मुखातबीन कौन है? कहते अल्लज़ीन यस्तमिउन अल-क़ौल फ़यत्तबिउन अहसनहु, वो लोग कि जो कौल को सुनते हैं, फ़यत्तबिउन अहसनहु, और उसमें से जो अहसन होता है उसकी इत्तेबा करते हैं, उलाइका हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनकी परवरदिगार आलम ने हिदायत की, उलाइका हुमुल अलबाब। और कुरान ने उनका नाम क्या रखा? कुरान ने उनका नाम रखा उलूल अलबाब, ये उलूल अलबाब है, ये उलूल अलबाब है, ये एक किस्म हो गई। अल्लज़ीन यस्तमिउन अल-क़ौल फ़यत्तबिउन अहसनहु, जो अहसन की इत्तेबा कर रहे और कौन को सुन रहे हैं, बुलाए तो हम उलूल अलबाब, ये वो लोग हैं जो उलूल अलबाब, ये किस्म। दूसरी किस्म है मरीजुल कुलूब, इंसानों की दूसरी किस्म जो मरीजुल कुलूब, का उला फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कल्ब मरीज होते हैं, अल्लाह उनके मरज को बढ़ाता है, मरीजुल कुलूब। और तीसरी किस्म इंसानों की वह अल्लज़ीना, कौन है वो? ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة, कुछ लोग ऐसे जिनके कल्ब पर परवरदिगार आलम ने मोहर लगा दी, खत्म लग गई, ना वो सुनते ना वो देखते ना वो बोलते, उनके दिलों पर पर्दा लगा हुआ। ये तीन किस्म हो गई इंसानों की, उलूल अलबाब, मरीजुल कुलूब और खत्म कुलूब।
मरीज القلوب और जिनके قلوب पर मोहर लगा दी। तो तीन किस्म हो गए, तीन मुखातबीन हो गए। उसमें से कुरान किससे बात कर रहा है, उसमें से कुरान किससे बात कर रहा है। अब यहां में अगर कोई दहलिया आके बैठ जाए और एतराज करे, दहलिया आके अगर बैठ जाए और एतराज करे, अभी मेरा मौजू है गुफ्तगू कुरान, मेरा मौजू है गुफ्तगू कुरान, कुरान किसकी भेजी हुई किताब है, अल्लाह की। तो पहली मंजिल में अल्लाह के वजूद का इकरार करना पड़ेगा, फिर उसके नबी के वजूद का इकरार करना पड़ेगा, फिर कुरान का इकरार करना पड़ेगा। जब ये तीन इकरार की मंजिलों से गुजर जाओगे तो फिर मेरी बात और आप जो मुखातबीन है उनके समझ में आएगी। अब अगर कोई देहरिया आके बैठ जाए और मुझसे सवाल करे कि आपकी ये बात में ये इतराज है और आपकी उस बात में ये इतराज है, तो आपकी उस बात में ये इतराज है, तो मैं कहूंगा मेरे मुखातब आप नहीं है, मेरे मुखातब आप नहीं है, मैं आपसे मुखातब नहीं हूँ, इसलिए कि आप पहली मंजिल में पहले वजूद खुदा को तो इकरार कीजिए, पहले आप वजूद खुदा का तो इकरार कीजिए। आप तो खुदा ही को नहीं मानते, तो जाइए के कुरान की बात कहा, तो आप तो मेरे मुखातब ही नहीं है। जब आप मेरे मुखातब नहीं है तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मेरी दलीलें मेरी बातें और मेरे नुकात और मेरी जो तकरीर है वो आपके लिए है कि नहीं, तो आप मेरी बातों पर एतराज करने का जवाब नहीं रखते, हक नहीं रखते। आप उस वक्त बात कीजिएगा जब मैं खुदा शिनासी की बात करूं, तो मैं खुदा का इस बात करूंगा, उस वक्त हम आपसे बात करेंगे, अभी तो फिलहाल हम किसी और मंजिल में। तो अब अगर कोई खड़ा होकर कुरान पर एतराज कर रहा हो तो आप पहले उसके वजूद के बारे में सोचें, पहले उसकी सिर्फ के बारे में सवाल करें कि तुम किस सिर्फ से ताल्लुक रखते हो, तुम किस सिर्फ से ताल्लुक रखते हो। कुरान तुमसे मुखातब है भी या नहीं है, पता चला कुरान मोमिनीन से बात कर रहा है, सवाल दहलिया कर रहा है, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, मैच नहीं खाती। कुरान मोमिनीन से बात कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अकीमुस्सलात, तुम इकामा करो उस नमाज का, वातुज़्ज़कात, और तुम ज़कात को अदा करो। अब दहरिया कहेगा मैं क्यों ज़कात दूं, मैं तो ज़कात को नहीं मानता, तो आप क्या कहेंगे, हमने पहले कहा था आयत के शुरू में क्या था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम ईमान लाए हो तो फिर कामाए नमाज करो, तो फिर ज़कात अदा करो। एक सलवात पढ़े थोड़ा, मुखातबीन देखना पड़ता है। तो मैंने तीन मुखातब आपके सामने बयान किया, तीन मुखातब बयान किए, उलूल अलबाब कहे कुरान इनसे मुखातब होता है, कुरान इनसे बात करता है, जैसे कि मैंने कहा सब किताबों में होता है, भाई मेडिकल की किताब है, मेडिकल की किताब हमें ले आया, बाजार में मिलती है आम तरीके से, जहां पर भी उसकी शॉप हो, मेडिकल की फाइनल ईयर की किताब मैं ले आया। अब मैंने लाया और उसे खोला, शुरुआत की मैंने उसकी, इब्तिदा की, पढ़ना शुरू किया, तर्जुमा था उर्दू या हिंदी में, बहरहाल मैंने उसका पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ा, पहला पेज समझ में नहीं आया, दूसरा पेज समझ में नहीं आया, तीसरा पेज, चौदह पेज समझ में, मैंने इतराज किया उस किताब पर, मैंने इतराज किया उस किताब पर, समझ में नहीं रहा हूं, इतराज किताब पर, समझ में नहीं रहा हूं, इतराज कर रहा हूं किताब पर, कि ये किताब कैसी है, कहना किताब ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, हुदन लिन्नास, हिदायत करती है इंसानों की। अब अगर इंसानों की हिदायत नहीं हुई तो इंसान आके ये कहे कि कैसी किताब है, ये तो हिदायत ही नहीं कर रही, तो कैसी किताब है, ये तो हिदायत ही नहीं कर रहे, ये कैसी किताब है, इसकी 26 आयतें तो जो है वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। अगर ऐसी बातें करें तो ये वही बात है कि मेडिकल की किताब में ले आया, पढ़ा पूरी किताब शुरू से लेकर आखिर तक, और फिर एतराज किया कि ये किताब ऐसी है जो समझ में नहीं आती, तो समझ में नहीं आई, तो अब जिसको जो उसका ऑथर है, मैंने कहा कि भाई कैसी किताब लिखी आपने, ये तो समझ ही में नहीं आई, तो वो क्या कहेगा, आप इस किताब को रहने दे, आपने खरीदे क्यों, आपने खरीदे क्यों, पैसा क्यों बर्बाद किया, ये आपके लिए लिखी नहीं गई थी, जिनके लिए लिखी गई थी उन्होंने समझा भी, पढ़ा भी और तरक्की भी की।
तो देखना पड़ेगा कि मुखातब में कौन है। अब एक मुखातब है उसमें उलू लगा, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा मुखातब, ये मुखातब नहीं है, मरीजुल कुलूब है। ये इंसानों के इसमें उलूल अलबाब होते हैं, इनसे कुरान मुखातब होता है। एक होते मरीज कुल्ब, उनका कल्ब मरीज होता है, और एक होते हैं जिनके कल्ब पर मोहर लगा दी परवरदिगार आलम ने। क्या कहा कि इनके कल्ब पर हमने मोहर लगा दी, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, हमने इनके कल्ब पर मोहर लगा दी, व अला समअिहिम, और हमने इनकी समाअत पर मोहर लगा दी। अब जब सुनेगा नहीं तो समझेगा कहां से, व अला समअिहिम व अला अबसारिहिम, और हमने इनकी आंखों पर मोहर लगा दी। जब किताब अगर पढ़नी है तो आंखों से पढ़े या कानों से सुने, ना इनका कान काम कर रहा है, ना इनकी आंख काम कर रही है, ना इनका दिल काम कर रहा है, ये अंधे बहरे गूंगे हैं। अब अगर कोई अंधा और कोई बहरा और कोई गूंगा आए और मेरी लिखी हुई कोई किताब उठाए और उसमें कहे कि भाई ना कुछ दिखता है, ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ आता है, कुछ है ही नहीं इसमें, ये किताब जो है फायदा ही नहीं दे रही है। मसलन मैंने तजवीद की किताब लिखी है, अब कहेगी इस किताब का काम क्या है, मैं कहूंगा तजवीद सिखाती है। कहे इस किताब को पढ़ने के बाद मैं कहूंगा आप मुजद्दिद बन सकते हैं, आपका कुरान सही हो जाएगा, आप कुरान सही तरीके से पढ़ सकते हैं। अब वो अंधा बहरा हुआ किताब ले कहे ना इससे मेरे कुरान सही हुआ, ना मेरे मुझे इससे तजवीद आई, तो मैं कहूंगा पहले आप अपनी आंखों को दुरुस्त करें, पहले आप अपने कानों को दुरुस्त करें, पहले आप अपने दिल को दुरुस्त करें। अब वसीम को जवाब देना है तो जवाब क्या देंगे कि पहले अपने कानों का इलाज करा, पहले अपनी आंखों का इलाज करा, पहले अपने दिल का इलाज करा। जब ये सब दुरुस्त हो जाएंगे तो कुरान भी तेरे समझ में आने लगेगा। मिसाल क्या है मरीज कल्ब क्या होता है, मरीज कल्ब यह होता है कि पानी क्या है मुताहरात में से है। आपने पढ़ा होगा पानी मुताहरात में से, पाक करने वाली कई चीजें हैं, 11 चीजें हैं, उनमें से एक चीज जो है मुताहरात में से पानी, पानी पाक करता है, नजिस चीजों को पाक कर देता है, गलीज चीजों को साफ कर देता है, गंदगी को पाक कर देता है, गिलाजत को साफ कर देता है। जैसे कुरान, कुरान क्या करता है हिदायत देता है, गिलाजत हटाता है कल्ब की, कसाफत हटाता है कल्ब की, इंसान को निखारता है, इंसान को पाक करता है, मुतहर करता है कुरान। ऐसे ही पानी भी है, पानी भी पाक करता है, साफ करता है, वो बातनी गिलाजत हटाता है कुरान, ये जाहिरी गिलाजत हटाता है, वो बातनी और ये जाहिरी, ये फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। बहरहाल अब आप पानी समझ लिए कि पानी मुताहरात में से, पानी पाक करने वाली चीजों में से। अब एक ऐसा ज़र्फ जो गंदा हो, जिसके अंदर हजारों किस्म की गंदगी हो, हजारों किस्म की गंदगी है, उस ज़र्फ में आप डाल दें और गंदगियों का लेवल इतना हो कि 90% वो जर्फ जो है वो गंदगियों से भर जाए, उस गंदगी से 90% वो जर्फ भर गया। अब आपने कहा कि इसे पाक करना है, आपने कहा कि इसे पाक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पानी के जो तहारत है, तहारत के उसूलों में से पहला उसूल ये है कि ऐने निजासत को पहले बरतरफ करो, है ना, ऐने निजासत को बरतरफ करो। जब ऐने निजासत हट जाएगी अब पानी से साफ करो, तो 90% अगर उसमें गंदगी है तो आपका काम क्या है? अब आप उसमें 10% अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी जो साफ करता था वो भी गंदा हो जाएगा, वो पानी जो साफ करता था वो भी गंदा हो जाएगा। अब आप पानी को कहेंगे कैसा पानी है, गंदा हो गया, कैसा पानी है, कसीब हो गया,
कैसा पानी है, गलीज हो गया, तो आप कहेंगे इसमें पानी की गलती नहीं है, इसमें गलती गिलाजत की है। पहले आपको गिलाजत बाहर निकालना था, बाद में पानी डालना था। अब अगर गिलाजत उसमें से निकाल ली जाए पूरी और पानी दो तीन मर्तबा डाल के उसका फेंका जाए, तो अब जब चौथी मर्तबा पानी डाला जाएगा तो पानी साफ हो शफाफ होगा। अब जब वसीम ने इतराज किया कुरान पर, तो लोग कुरान की औराक ढूंढने लगे, कुरान को पलटा के देखने लगे कि कुरान में खुदा ना खास्ता क्या तकलीफ है, कुरान क्यों पलट रहे हो, गंदे जर्ब में पानी डाला है, उसकी गंदगी पहले साफ करो। आप कुरान मत देखो, आप वसीम को देखो कि वहां पर कहां गड़बड़ है। छजरा निकालो, उसके माँ बाप का पता निकालो कि जर्ब गंदा है, वो जर्ब गंदा है। कुरान तो मुताहरात में से है, वो कुलूब को पाक करता है, वो हिदायत देता है, वो साफ करता है। जैसा जर्ब होगा वैसा काम करेगा। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे अजीम बात वो ये है कि कुरान अपने वारिसीन के साथ, कुरान अपने वारिसीन के साथ, बगैर वारिस के कुरान नहीं आया, बगैर वारिस के कुरान नहीं आया, बगैर वारिस के आप कुरान को समझ भी नहीं सकते, बगैर वारिस के आप कुरान को नहीं समझ सकते। मिसल कुरान में आयत है कि हुन्ना उम्मुल किताब, ये उम्मे किताब है। इसमें बाज आयतें मुहकम है और बाज मुतशाबे है, बाज मुहकम है बाज मुतशाबे। मुहकम आयतें यानी क्या, यानी जो साफ साफ जिसके माना है वाज़े बिल्कुल जाहिर, उनको मुहकम आयत कहते हैं। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, साफ साफ वाज़े है कि ईमान वालों से खिताब किया गया और नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया और ज़कात को अदा करने का हुक्म दिया गया। इन आयतों को मुहकमात कहा जाता है, जिनके माना सब के समझ में आ जाते हैं। एक जगह कुरान में आया है कि ये कुरान वो किताब है कि जो मुतशाबे है, मुतशाबे। एक जगह आया कि मुहकम भी है और मुतशाबे भी। एक जगह आया कि ये किताब वो किताब है कि जो मुतशाबे किताब है। मुतशाबे क्या होती है, मुतशाबे वो आयत होती है कि जिनके माना हमें नहीं मालूम। जैसे वलिल्लाहि कुर्सियुस समावाति वल अर्ध, अल्लाह के लिए कुर्सी है, अल्लाह कुर्सी पर बैठता है, अल्लाह को कुर्सी की जरूरत है, अल्लाह को कुर्सी की जरूरत है। तो ये आयत मुतशाबे, इनके माना आपको समझने के लिए उनके दर पर जाना पड़ेगा जिनके लिए कुरान नाज़िल हुआ। तो ये मुतशाबे आयत है जिनके माना वाज़े नहीं होते। तो कुरान में एक जगह आया कि कुरान में कुछ आयात मुतशाबे हैं, कुछ आयात मुहकमात हैं, और एक जगह आया कि कुरान जो है पूरा का पूरा मुतशाबे है, और एक जगह आया कि कुरान पूरा का पूरा मुहकम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनका जमाना है, उनका जमाना। एक ईसाई आता है ये तीन आयतों को लेकर, कहता है कि आपके आपकी किताब में तआरुज़ है, आपकी किताब में तआरुज़ है। एक जगह कहा गया कि ये कुरान जो है आयाते मुतशाबे हैं, और एक जगह कहा कि ये कुरान पूरा का पूरा मुहकम है। तो आप ये बताइए कि ये कुरान मुहकम है या मुतशाबे। उसने कहा ठीक है मैं अपने उलमा को बुला लेता हूँ। तमाम उलमा आ गए, जब उलमा आ गए तो उसने इकरार लिया। आप ये बताइए कि कुरान में ये आयत है या नहीं है कि कुरान की बाज आयतें मुहकम है बाज मुतशाबे। कहे हमको सबको ये मान है कि हाँ कुरान की बाज आयत मुहकम है बाज आयत मुतशाबे। फिर उसने दूसरी आयत पढ़ी कि ये भी ये कुरान में है कि ये कुरान जो है आयात मुहकमात है। कहे हमारा इस पर भी ईमान है, हाँ बेशक ये भी आयत है। कहे उसके बाद ये जिक्र किया कि इसमें आयात जो है वो मुतशाबे। कहे हाँ हमारा इस पर भी ईमान है। तो कहे भाई आपका ईमान जो है वो मुतजलजल है, कभी कहते हो मुहकम है, कभी कहते हो मुतशाबे है, कभी कहते हो आधा मुहकम है आधा मुतशाबे है। बहरहाल
जवाब किसी से ना बन पड़ा, जवाब किसी से ना बन पड़ा। आखिर में किसी ने एक मशवरा दिया कि भाई कुरान की बात है तो वारिस कुरान के दर पे आना पड़ेगा। जवाब में जहां पर सादी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, उसने कोई सवाल किया कि बताइए मौला, आप कहते हैं कि कुरान में बाज आयात मुहकम है बाज मुतशाबे, आपका ईमान है? मेरा इस आयत का मुकम्मल ईमान तो कुरान की आयत, कह बाज आयत मुहकम बाज मुतशाबे, कहे हाँ। कह फिर बाद में जिक्र हुआ कि इसकी आयतें सबकी सब मुतशाबे, कहे मेरा इस पर भी ईमान, कहे बाज सबकी सब मुहकम है, कहे मेरा इस पर भी ईमान। कहे फिर कुरान में तारुज नहीं है, कह तूने समझा ही नहीं, तूने समझा ही नहीं। कहे इंसानों की दीन जैसी, इंसानों की दीन जैसी, वो जो कुरान नहीं समझना चाहता उसके लिए पूरा कुरान मुतशाबे है, वो जो कुरान समझना ही नहीं चाहता उसके लिए पूरा कुरान मुतशाबे है, और वो अफराद जो कुरान सीखने के लिए आए हैं उनके लिए बाज आयात मुहकम है तो बाज मुतशाबे हैं। कुछ समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएंगी, और कुछ परवरदिगार आलम ने ऐसी ज़बात को पैदा किया जिनमें से हम है जिनके लिए पूरा का पूरा कुरान मुहकम है। एक सवाल और करता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर आप ये बताइए कि परवरदिगार आलम ने कुरान में आयात मुतशाबे रखी क्यों? ऐसी बात करता कि सबके समझ में आ जाता, हर जमाने के लिए, हर वक्त के लिए, हर इंसानों के लिए ऐसी बातें करता कि सबके समझ में आती, सब आयात मुहकमात जिक्र कर देता, मुतशाबे जिक्र करने की जरूरत क्या थी? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, याद रख कुरान अपने वारिस के साथ नाजिल हुआ है, अगर पूरी मुहकम हो जाती तो तुम कल भी कह रहे थे कि कुरान काफी है, आज भी यही कहते हमारे लिए कुरान काफी है, इसमें मुतशाबे रख दिया ताकि तुम्हें हर दौर में हमारी जरूरत पड़ती रहे और तुम्हें हर दौर में एक हादी के साथ साथ किताब की भी जरूरत अपना निजाम ऐसा बनाया, अपना निजाम ऐसा बनाया तो पहले हिदायत के इंतजाम करता है, पहले हिदायत के इंतजाम करता है। अब देखिए जनाबे आदम का वजूद, पहले हिदायत का इंतजाम, बाद में हिदायत लेने वाले, पहले हादी बाद में हिदायत लेने वाले, लेकिन एक जगह आके ये सिस्टम थोड़ा सी गड़बड़ा गया। अगर आप ये कहें अगर अहले बैत को छोड़ के सिर्फ कुरान ले लिया तो फिर मसला थोड़ा सी गंभीर हो जाता है, इसलिए कि किताब के साथ किताब का समझाने वाला भी होना चाहिए, किताब के साथ किताब का पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, किताब के साथ मुअल्लिम भी जरूरी होता है। एक जगह के निजाम बिगड़ जाता, कब वो निजाम उस वक्त बिगड़ा कि जब आदम का पुतला बना, आदम का पुतला बना, परवरदिगार आलम ने सबसे कहा कि जितने हो सबके सब सजदे में झुक जाए, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, सबने सजदा कर लिया सिवाय इबलीस, अब वस्तक बड़ा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरीन में से हो गया। अभी क्या बना? आदम का पुत्र, अभी आदम आए हैं, अभी जमीन पर आने के अभी एक अरसा लगेगा, एक जमाना लगेगा, अभी आदम नबी नहीं बने, अभी नबी नहीं आए। नबी क्या होता है? नबी वो होता है जो हमारे लिए हिदायत के सामान को मुहैया करता है, नबी हादी होता है, नबी हादी होता है।
तो ये हादी अभी आने का है, ये अभी हादी बनने का है, उससे पहले शैतान तैयार हो गया। यानी मरकजे हिदायत से पहले मरकजे गुमराही तैयार है, शैतान है नहीं है, मरकजे गुमराही तैयार हो गया। उसने कह दिया, दावा किया कि मैं तेरे मुखलिस बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मैं सबको सबको बहकाऊंगा सिवाय सालेहीन। तो इसका मतलब यह कि एक जगह आके ये कानून टूट गया, एक जगह आकर ये कानून टूट गया कि मरकज हिदायत पहले होता है, मरकज गुमराही बाद में होता है। यहाँ पर मरकज गुमराही पहले है, मरकज हिदायत की अभी कोई मंजिल नहीं आई है। अगर इस मकाम पर रुक जाओगे तो ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि पहले मरकज गुमराही है, बाद में मरकज हिदायत है। जब तक ये तस्लीम न कर लेते कि कुन तो नबीयन बाद में बैन अल मायवतीन, कानून खुदा कभी नहीं टूटता। वो नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान में थे, यानी मरकज हिदायत पहले था, मरकज गुमराही बाद में आया। जगह अलग अलग चीजें हैं, मसलन हुदल लिन्नास कहा कहीं पर, हुदल लिल मुत्तकीन कहा कहीं पर, हुदल लिल मुमिनीन कहा, ये भी तारुज है, ये भी तारुज है। एक हदीस में तमाम बातें कुरान के ताल्लुक से पेश करना नामुमकिन, अशरों में पेश करना नामुमकिन। ये कुरान के साथ साथ, ये कुरान के साथ साथ अहले बैत और कुरान, खुद रसूल अकरम ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम कफलैन किताबुल्लाह व इदरतिय अहले बैत, मैं तुम्हें दो गिरा कदरी चीजें छोड़ दूंगा, एक मेरी इदरत है जो वारिस कुरान है, जो मुअल्लिम कुरान है, और एक किताब, एक किताब। आज दुनिया तस्लीम कर रही है, दुनिया तस्लीम कर रही है, हर साहिबे अक्ल तस्लीम करेगा। ट्रैफिक के कानून हमारे यहाँ बने, पुलिस के कानून हमारे यहाँ बने, कॉरपोरेशन के कानून हमारे यहाँ बने, बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इदारों के बहुत सारे कवानीन बने, बड़े बड़े अक्लमंदों ने कवानीन को बनाया, बड़े बड़े कानूनदान अफराद ने कवानीन को बनाया। अब देखें ये कानून बनता, ट्रैफिक का कानून बनाया, अब तो काफी आसानियां फराहम हो गई हैं। आप देखें जगह जगह चौराहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिसमें वो अपनी एड वगैरह डालते रहते हैं, उसमें तमाम कवानीन लिख दिए जाते हैं, उसमें तमाम कवानीन लिख दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई इन कवानीन को पढ़ो और अमल करो, इन कवानीन को पढ़ो और अमल करो। इसलिए तो कानून भी है, वसायल भी है, बताने के जरिए भी है, सब कुछ मुहैया है। अब इंसान आता ट्रैफिक के कवानीन को पढ़ता, अच्छा ये कानून है उस पर अमल कर लेता, ये कानून है उस पर अमल कर लेता, लेकिन नहीं, किसी भी कम से कम अक्ल को अगर ये बात कहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा जब तक कानून नाफिज करने वाला सिपाही वहां खड़ा नहीं होता कानून का इजरा नामुमकिन है। किताब पढ़ के कानून पे अमल नहीं करवाया जाता, बल्कि एक कानून दा फर्द को वहां पे खड़ा किया जाता है, वो बताता है ऐसे चलो वैसे चलो, ऐसे करो वैसे करो। ये हमारी समझ में आता है कि तो खुदा ने किताब को नाजिल किया क्या बगैर रहनुमा के, बगैर वारिस के, बगैर हादी के? नहीं, किताब बगैर पढ़ाने वाले के समझ में बिल्कुल नहीं आता। और खुद कुरान ने कहा कि रसूल आपने इतनी जहमतें की हैं, आपने इस तरीके से दीन को पहुंचाया, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की आपने, तो अब खुदा ने कहा कि रसूल तुम इनसे कहो। ये रसूल के कदमों पर जान निसार करने वाले, रसूल के फिदाई शहदाई,
तुम इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, मगर तुम क्या करना, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत कर, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत कर। अब आप तारीख का मुताला करते हैं, इब्तदाई सफर के अय्याम में देखिए जनाब ज़ैद शहीद की शहादत के लिए ये जो ज़ैदी हज़रात हैं सैयदों में सिलसिला जनाब ज़ैद से, देखें क्या हुआ, किस तरीके से अजर रिसालत अदा किया जाए। एक दो जुमले जनाब ज़ैद के ताल्लुक से और फिर डॉक्टर जनाब ज़ैद जिनको हलीफुल कुरान भी कहा गया, हलीफुल कुरान से बेपनाह उनसियत रखा, कुरान के बहुत ज्यादा शैदाई, इतने शैदाई को उन्हें हलीफुल कुरान ये अजरे रिसालत अदा किया गया कि तकरीबन एक खलीफा एक इमाम एक रहबर एक रहनुमा जिसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी अहले बैत के ताल्लुक से, उसके आने तक 3,000 कब्रों को खुदा दो, 3,000 कब्रों किस कब्रे की तलाश, कब्रे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो अपने वक्त के इमाम तो नहीं है लेकिन इमाम के शहजाई है, इमाम के मानने वाले, इमाम के जानने वाले, कयाम करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम सैयद सज्जाद के पर्सन है, कयाम किया, आलम यह हुआ कि कुछ लोगों ने वादा किया था, कुछ लोगों ने वादा खिलाफी की, कि जैसा इमाम हुसैन के साथ हुआ कि आप आइए कूफा और उसके बाद फिर वादा खिलाफी हो गई, ऐसे ही जनाब ज़ैद के साथ भी हुआ, जनाब ज़ैद शहीद कर दिए थे, जनाब ज़ैद शहीद कर दिए, उनकी लाश को के ऊपर से सारे कपड़े उतार, पहले उनके सर को जुदा किया गया, फिर बरहना लाश को सूली दी गई, सूली देने के बाद उनकी लाश को उतार के दरवाजे कूफा पर लटकाया गया, एक दो दिन नहीं 4 बरस तक जनाबे ज़ैद की लाश दरवाजे कूफा से लटक के, और 4 बरस के बाद उनकी लाश को उतार कर जला दिया गया, 4 बरस के बाद उनकी लाश को उतार के जला दिया। ये खानदान है इसमें तो तहारत के चिराग, और ये तो बहुत बाद का वाक्य है, चूंकि अभी 2 सफर थी तो बहुत बाद का वाक्य, जिनाब फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह बाबा आपके बाद वो मुसीबतें ज़हरा पर पड़ी हैं कि अगर वो मुसीबतें दिन पर पड़ती तो दिन रात में पड़ती है, तो दरवाजे का पहलू पर गिरना, पहलू पर जख्मी होना, जनाब मोहसिन की शहादत, जनाब ज़हरा के तमाचों का लगना, जनाब ज़हरा की पसलियों का टूटना, हसनैन को तमाचे लगना,
उसके बाद जनाबे जहरा के रोने पर एतराज का करना, ये सब शबाहतें आपको करबला में एक छोटी सी बच्ची के अंदर मिल जाएंगी। और उस बच्ची ने कहा भी था कि दादी अम्मा अब मैं आपके मुशाफे हो गई। बाज रिवायतों में मिलता और बाज जाकिरीन पढ़ते हैं इस जनाबे फातिमा जहरा जब नमाज पढ़ती थी तो दीवार के किनारे पढ़ा करती थी ताकि जब सजदे से और रुकू से उठे तो दीवार का सहारा लेकर उठे। एक मरतबा शहजादा हुसैन ने देखा कि अम्मा जब उठ रही हैं तो दीवार का सहारा लेकर उठ रही हैं और जब चलती हैं तो हाथों में आसा लेकर चल रही है। कितनी उम्र है जनाबे फातिमा जहरा को? 18 साल। 18 साल की उम्र में जहीफा करबला ने दोहराया वो मंजर जनाबे अली अकबर के कलेजे में बरछी लगी है। एक मरतबा सिराने पर पहुंचे जनाबे अली अकबर के इमाम आली मकाम और कहते हैं बेटा कोई ख्वाहिश है? अली अकबर कहते हैं कि बाबा मदीने में सुगरा से वादा किया था कि मैं तुझे बुलाऊं। बाबा अगर मुमकिन हो तो ज्यारत करवा दीजिए। एक मरतबा हुसैन ने हुक्म दिया जमीन करबला पस्त हुई जमीन मदीना बुलंद हुई। एक मरतबा अली अकबर से कहा बेटा अपनी बहन की ज्यारत कर लो। अली अकबर ने तलाश किया कहीं पर फातिमा सुगरा नहीं दिखाई दी। कहा बाबा सुगरा तो नहीं दिखाई दी। कहे बेटा क्या देख रहे हो? कहे बाबा एक जहीफा को देख रहा हूँ, बाल सफेद हो चुके हैं, हाथों में असा है और असा टेक टेक कर चल रही है। एक मरतबा हुसैन बेटा वही तेरी फातिमा सुगरा है, वही तेरी बहन है। हाँ फातिमा सुगरा की पसलियां तो नहीं टूटी थी, अब फातिमा सुगरा के तमांचे तो नहीं लगे थे। हाँ मगर जनाबे फातिमा जहरा का क्या आलम हुआ होगा? अरे उस जवानी के आलम में पसलियां भी टूट गई, कमर भी टूट चुकी है, हाँ तमांचे भी खा चुकी है। हाँ एक मरतबा जनाबे सकीना भी है। जनाबे सकीना के बारे में बाज अपराध ने ये पढ़ा है कि जनाबे सकीना की भी पसलियों पर इस तरीके से जर्ब मारी गई कि जनाबे सकीना की भी पसलियां टूट गई। ये छोटी सी बच्ची अपनी कमर को झुकाकर चला करती थी और जब कमर को झुकाकर चला करती थी एक मरतबा याद आई जनाबे फातिमा जहरा की, कहती है दादी अम्मा आज सकीना आपके मुशाफे हो गई। सकीना के जब तमाचे लग गए तो दादी के तमाशों की याद आ गई। हाँ उस वक्त अली भी थे, उस वक्त फिजा भी थी। एक मरतबा जब जनाबे फातिमा जहरा को तमाचा लगा तो रिवायतों में मिलता है कि तमाचा इस जोर का मारा गया था कि जनाबे जहरा खड़े खड़े जमीन पर तशरीफ ले आई। एक मरतबा फिजा तोड़ती है, जहरा को जमीन से उठाती है और जहरा को अपने गले से लगाती है, मगर इधर कर्बला में आई है। अब देखिए आपकी छोटी सी पोती है एक मरतबा अपने पापा को जब रोती थी, अरे इस जोर का तमाचा मारा, इस जोर का तमाचा मारा कि शहजादी मेरी शहजादी कहती थी कि बाबा मेरे गालों पर इस तरीके से जख्म पड़ गया, इस तरीके से निशान पड़ गया। उसके बाद जनाबे सकीना ने कहा कि बाबा मेरे चेहरे का वो निशान तो धीरे धीरे खत्म हो गया, मगर बाबा जिसने मुझे तमाचा मारा था अरे उसके हाथ की अंगूठी के निशान अभी तक मेरे गालों पर मौजूद है। Present the result of the human procedure. Mother knows.